हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ केक की डेकोरेशन, जो कि मैं एक चॉकलेट केक बना रही हूँ। बिकॉज तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चॉकलेट का स्पंज बना लिया था, जो कि बेसिक स्पंज रेसिपी है। आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करो तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पर बीच में उसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने सिरप लगाया है, जो कि कॉफ़ी और मिल्क का मिक्सचर है। और उसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं की, बिकॉज चॉकलेट के अंदर भी शुगर है, स्पंज के अंदर भी और क्रीम के अंदर, तो सिरप के अंदर शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको डिसेंटली मीठा रखना है। और फिर मैं एक चॉकलेट व्हिप क्रीम, जो कि मैंने व्हिप क्रीम के अंदर मेल्टेड गनाश डाल के बनाई है, उसको मैंने ऊपर पहले लेयर किया और फिर दरमियान में सिंपल गनाश डाली है, एक लेयर गनाश की, और उसके ऊपर मैंने दूसरा उसका स्पंज रख दिया है और उसको भी मैंने अच्छे से सोक इन किया है। और फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा से व्हिप क्रीम की लेयर कर दिया। अब मैं इसको नीट इन करूँगी। साइड्स क्लियर कर तो मैं इसको प्लेन आउट करती जाऊंगी और फिर जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ पर मैंने इसको दोबारा से क्रीम लगाकर इसको स्पैचुला की हेल्प से प्लेन करते जाना है। कुछ लोगों को चॉकलेट केक पसंद नहीं होता है, लेकिन इस केक के अंदर चॉकलेट बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड है और बहुत कम भी नहीं है, कि ये बहुत दोनों पार्टीज़ के लिए सेम रहता है। कि अगर किसी को चॉकलेट केक नहीं पसंद है और किसी को बहुत ज़्यादा चॉकलेट केक पसंद है तो ये दोनों खा सकते हैं, बिकॉज चॉकलेट का टेस्ट भी आ जाता है और जिसको नहीं पसंद उतना ज़्यादा भी नहीं आता कि उसे बुरा लगने लगे। सो क्योंकि व्हिप क्रीम के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गनाश भी डाली है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। खैर, यहाँ पर हम लोगों की गनाश अच्छे से ठंडी थी और व्हिप क्रीम भी अच्छे से ठंडी थी, तब हमने इसके ऊपर प्योरन किया और फिर हम लोगों ने स्पून की हेल्प से साइड पे ड्रिप्स बना दी हैं, इस तरह थोड़ा थोड़ा घसीटते हुए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बिकॉज यहाँ पे व्हिप क्रीम हमने यूज़ किया इसलिए हम लोगों ने ज़रा सा भी प्रेशर अप्लाई किया तो वो जो है क्रीम हट जाएगी। उसको हमने बहुत मुश्किल से क्योंकि प्लेन किया, लेकिन अगर आप लोग बटर क्रीम यूज़ कर रहे हो तो वो क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी स्टिफ़ हो जाती है तो उसको मसला नहीं होता है हैंडल करने में इतना। खैर, यहाँ पे हमारे एरियाज़ में बटर क्रीम इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती है और ना ही पसंद, बिकॉज वो हैवी लगती है, बहुत ज़्यादा बटर फील हो जाता है। तो वी लाइक या तो क्रीम चीज़ या फिर व्हिप क्रीम, सिंपल। सो यहाँ पे हम लोगों ने व्हिप क्रीम वाला ही बनाया और ऊपर से मैंने गनाश पोर इन कर दिया। और अब मैं एक पाइपिंग बैग की हेल्प से ऊपर इसके पहले इसको प्लेन कर दूँगी और फिर पाइपिंग बैग से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूँगी। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, लेकिन बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। और फिर मैंने बाद में ऑफ़ कैमरा मैंने एक थोड़ी सी डेकोरेशन भी बनाई थी मिल्क चॉकलेट से। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने उसको मेल्ट करना है बटर पेपर के ऊपर, हमने उसको थोड़ा सा ड्रॉप गिरा कर उसके स्पून से उसको फैला लेना है। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर वो लगा दिया और दरमियान में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स डाल दी। बहुत ही मज़े का केक बना था और बहुत ही सॉफ्ट। और आपने इसको लाजमी, अगर आप बना रहे हो ना, तो आपने इसको लाजमी 12-15 आवर्स के लिए इसको अपने फ्रिज में छोड़ना है, बल्कि बेस्ट ये है कि आप इसे एक दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि केक रेस्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट देते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का केक हो चुका है रेडी। यहाँ पे मैंने रेस्ट नहीं लिया था इसको, इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई डेलिकेट सा बना है। अगर आप लोग बेकरी केक्स पसंद करते हो तो उसमें ना क्रीम की रेशियो बहुत ज़्यादा डाली जाती है, ऑलमोस्ट बराबर टू स्पंज। लेकिन हम लोगों के यहाँ यूजुअली घर में सबको इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं पसंद होती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं की है, वरना वो दरमियान में भी इतनी बड़ी लेयर क्रीम की रखते हैं कि केक का वज़न भी एक तो ज़्यादा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा हैवी भी लगता है। सो उसके मुकाबले में अगर आप लोग इतनी रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप लोग ऑब्वियसली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्रीम्स रख सकते हो। और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही मज़े का बना था। होप यू विल लाइक इट। बाय बाय।